जो क्लास रहेगी महिला पर्यवेक्षक से संबंधित है, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे, रिवीजन करके जाइएगा, जिसमें महिला एवं बाल विकास एवं विभिन्न योजनाओं से प्रश्न करेंगे। तो आपके पास सिर्फ 3 से 4 दिन बचा हुआ है, 27 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो एक बार रिवीजन करके जाइएगा यहाँ से, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक जो सिलेबस है महिला एवं बाल विकास है उसमें 20 से 60 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करके जाइएगा, और पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें महिला एवं बाल विकास बहुत सारी योजनाएं जो अभी हैं उसमें 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही आपको महिला एवं बाल विकास से बहुत सारे टॉपिक बन रहे हैं, तो आप यहां से कवर आपका हो जाएगा, कम से कम 15 से 17 नंबर यहां से आपका कवर हो जाएगा। तो एक बार बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी चैनल से तैयारी कर सकते हैं, बट आप मेरे चैनल पर अगर तैयारी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल पर विश्वास कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और एक बार विश्वास करके देखिएगा, एक बार रिवीजन करके जाइएगा। दोस्तों, जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हीं के लिए खास वीडियो लेकर आए हैं। आज की जो क्लास है आपको महिला पर्यवेक्षक में विभिन्न योजना, बाल विकास, जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं महिलाओं से, वही टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि कुपोषण है, कुपोषण दर से जितने भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, साथ ही टीकाकरण वगैरह से जितने भी पोषण स्वास्थ्य संबंधी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी के सभी टॉपिक 150 प्रश्न में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। चाहे वीडियो कितने भी देरी का हो, यानी कि आधा घंटा, सवा घंटा का, जो भी हो, आप कवर करके जाइएगा। आजकल इतना ही, फिर स्टार्ट करते हैं महिला पर्यवेक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लेट्स गो स्टार्ट। टाइफाइड से शरीर के कौन से अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, अग्नाशय, अमाशय, आंत। इसका आंसर डी होगा। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। पीलिया यानी कि ज्वाइंटिस में दुष्प्रभावित होता है यकृत। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, याद रखना आपका आयोडीन, आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग हो सकता है। हैजा का क्या कारण? हैजा यानी कि छोलेरा, या आपका शैवाल, जीवाणु, विषाणु या कवक। इसका आंसर आपका बी होगा, जीवाणु। यहाँ पर जो हरा वाला टिक देख रहे हो, सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। पढ़ लीजिएगा एक बार, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं 2 से 3 नंबर। खसरा रोग का कारण क्या है? तो खसरा रोग का कारण आपका विषाणु जो है ना, खसरा रोग का कारण होता है यानी कि मेसेल्स। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी, याद रखना कीमोथेरेपी, इससे आपका प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। आंसर डी होगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। आंसर ए होगा। ओके, नेक्स्ट, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी के लिए किसका कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटे होने से, जो नेत्र गोलक होता है आपका उसके छोटे होने से होता है आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी के कारण। निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो यहाँ पर फ्लोरिन जो है आपका, आंसर ए वही होगा, दांतों की विकृति के साथ, है ना। पहली बार आए तो एक बार चैनल को लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? रिकेट्स आप सभी को मालूम ना, सूर्य की किरण से, सूर्य की अगर कमी हो जाए, प्रकाश की कमी हो जाए, तो आपको विटामिन डी रिकेट्स हो सकता है, ठीक है। विटामिन ए से कौन सा है? रंधौती रोग होता है, ठीक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा। विटामिन ए से रंधौती रोग होता है, रंधौती रोग यानी कि रेटिनॉल, रेटिनॉल कहा जाता है उसको, जिसमें आपका विटामिन ए में आएगा गाजर, गाजर खाने से, आम खाने से सबसे बेस्ट है आपका ये रोग, नहीं होगा विटामिन ए के लिए सबसे बेस्ट है गाजर और आम। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का सबसे अच्छा और फर्स्ट स्रोत कौन सा है, तो गाजर लगाएंगे, सेकंड में आम। उसी प्रकार विटामिन सी है आंवला, आंवला है ना, विटामिन सी से कौन सी कमी रोग होता है? स्कर्वी यानी कि त्वचा रोग संबंधी होता है। कौन सा? त्वचा रोग संबंधी होता है विटामिन सी से। विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, रिवाइज जरूर कीजिएगा।
चलिए यहाँ पर देखिए, कौन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है, अभी जस्ट आपको बताया, विटामिन सी। विटामिन सी कौन सा होता है? आंवला, बेस्ट। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझाते चल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आम, यह आपका विटामिन ए है ना, आम जिसमें रंधौती रोग, रेटिनॉल में आपको जस्ट अभी बताया, ठीक है। पपीता खाने से कौन सा कमी होता है? पपीता, आंवला, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? एग्जाम में पूछा गया 2021 में, फंक ने। किसने? फंक ने। निम्न में से कौन से विटामिन का सर्वोत्तम है? अभी जस्ट आपको बताया, गाजर। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझाते चल रहा हूँ ना। चावल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल से। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम खाते हैं ना खाना, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। नींबू कौन सा है? विटामिन सी। छीली हुई सब्जी, देखिए अभी आपको बताया विटामिन सी वाला, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। एक बात और याद रखना, अगर कोई भी सब्जी को आप गर्म करते हैं ना दोबारा, तो सी, विटामिन सी निकल जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, छीली हुई सब्जी, विटामिन सी, सब्जी को गर्म करेंगे तो भी विटामिन सी खत्म हो जाएगा। विटामिन ए, रंधौती रोग, रेटिनॉल, गाजर और आम, आपको जस्ट अभी बताया। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, यानी कि सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण। विटामिन ई किससे है, आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर। निम्न में से कौन से विटामिन का स्रोत है? तब भी आपको बताया ना, फोलिक अम्ल वाला, विटामिन सी वगैरह, ये सब है। विटामिन अभी आपको बताया ना जस्ट, क्या खाने से होता है? तो गेहूं का अंकुर, यानी कि जैसे आप गेहूं रहता है आपका, उसको फिलो देते हैं, यानी कि रात को अगर भिंगो के आप सुबह खाओगे ना, वही है अंकुर वाला, तो विटामिन ई है। मानव शरीर में रक्त का थक्का भी आपको जस्ट बताया, विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा विटामिन सी किस कमी के कारण होता है, फटाफट कमेंट कीजिएगा, एक मिनट का नहीं है ना। चलिए आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, सभी लोग कमेंट करके बताएं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, अब भी आपको बताया जस्ट, चलिए फटाफट। हाँ, कविता, रमेश, नाइस क्लास, योर बेस्ट, ओके, थैंक यू। विटामिन सी से आपको कौन सा होता है? स्कर्वी रोग, उसे क्या कहते हैं? त्वचा रोग, ठीक है। कौन सा कहते हैं? त्वचा रोग, ठीक है। क्या जाएगा? त्वचा रोग संबंधी बीमारी होता है। आंवला खाने से आप सब खत्म हो जाएगा। विटामिन ई रिकेट से होता है, प्रकाश की पूर्ति के कारण, प्रकाश की कमी के कारण, आपूर्ति के कारण। विटामिन ई जस्ट अभी बताया, विटामिन के रक्त का थक्का जमता है। विटामिन ई का सबसे बेस्ट स्रोत लिंग ग्रंथियों में सामान्य क्रिया जो होती है ना आपका, वही है। यहाँ पर देखिए एग्जाम में भी कुछ वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ एक बार रिवीजन जरूर करें। मछली के यकृत में आप सभी को बताया विटामिन डी, विटामिन ए अभी आपको बताया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा विटामिन जन्म घुलनशील? एग्जाम में बार बार पूछता है कि विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब। लेकिन आपको यहाँ आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा नहीं है। यहाँ जल में बोला गया है तो विटामिन बी सी जल में घुलनशील। अगर वसा में घुलनशील पूछा जाए तो क्या बताओगे? वसा में अगर घुलनशील पूछा जाएगा तो विटामिन ए सी, एक मिनट ना, फिर से आपको बता रहा हूँ, इसको समझना, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए जो घुलनशील वाला है ना विटामिन, जल में अगर पूछा जाए जल में घुलनशील, तो आप बताएंगे विटामिन बी सी। अगर वसा में पूछा जाए ए डी के, ये तीनों है, वसा में घुलनशील ए डी के, अगर जल में पूछा जाए तो बी सी। यहाँ पर दिया जाइए कौन सा, जल में पूछा गया आपका ऑप्शन सी। अगर पूछता ए डी ई भी आएगा ना, यहाँ पर वसा में ई है, ठीक है, ए डी ई और के, याद रखना। तो यहाँ पर ए डी और ई कौन सा है? वसा में घुलनशील है, ओके। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, क्योंकि रंधौती रोग वाला है ना आपको, गाजर, स्रोत, आम, अभी जस्ट आपको बताया था। टोटल 150 प्रश्न करेंगे यहाँ पर, जो कि महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, रीजन जरूर कीजिएगा।
विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना था स्कार्बिक अम्ल। निम्न में से विटामिन कौन सा शरीर भंडारित होता है? विटामिन डी, जो कि आपकी प्रकाश के मिलती है ना आपूर्ति के कारण। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिनों में कोबाल्ट या आपका आयरन, आयरन ही है आपको कोबाल्ट। विटामिन बी 12 याद रखना। विटामिन बी 6 पाइरोटॉक्सिन वाला है ना, विटामिन बी 6 कमी से क्या होता है? बाल झड़ता है, बाल खुजली रोग होता है, ठीक है। ए का प्रचुरतम मात्रा देखिए यहाँ पर अब एग्जाम में पूछ लिया है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? सेकंड नंबर में आम है, लेकिन यहाँ गाजर दिया है कहीं पर? नहीं दिया है, गाजर की जगह आम दिया है। अगर पहला पूछा जाए तो गाजर ऑप्शन में लेना, ठीक है। गाजर भी दे दिया है, आम भी दिया है, तो आप सबसे पहले गाजर टिक लगाइएगा। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है आपको अभी बताया ना, रंधौती रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं। रिकेट्स विटामिन डी के कारण। पेलाग्रा रोग किससे कमी होता है? बेरी बेरी रोग, यानी कि सूखड़ापन कहते हैं उसको, यानी कि पतलापन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, देखिए एग्जाम में वही पूछता है। देखिए यहाँ पर ये वाला आपका विटामिन ए आएगा। कौन सा पदार्थ यानी कि मानव शरीर के ईंधन का काम करता है? ईंधन मतलब ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? चावल से। जल में क्या मिलता है? बीसी। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन से क्या है? प्रोटीन आपका दाल, मछली, अंडा। विटामिन क्या है? विटामिन बी सी, जैसे कि आपको विटामिन में क्या कहता है? ए बी सी। अभी में बहुत सारे विटामिन B1, B2, B6, B12, ये सभी ये अब विटामिन में आता है। ओके, वीडियो आपको कैसा लग रहा है और कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगता है ना, मात्र 3 से 4 दिन बता हुआ है आपको एग्जाम महिला परीक्षा का, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा। पार्ट वन वीडियो का एकदम मैराथन क्लास है यार, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या आएगा? सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से बच्चा, वसा से। देखिए यहाँ पर वसा भी लिया गया है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? चावल से। सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलता है? चावल से। एथलेटिक किसकी जल्दी ऊर्जा होता है? कार्बोहाइड्रेट, चावल से। एग्जाम वही क्वेश्चन आता है ना। मानव शरीर में ऊतक, ऊतक आप समझ रहे हो ना, निर्माण होता है प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट चावल से। ये आपको बताया ए बी सी के, विटामिन B1, B6, B2, B12। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर में निर्माण करता है दोस्त। यहाँ पर प्रोटीन का जो निर्माण होता है ना, शरीर का निर्माण करने वाला होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन है। निम्न किससे प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता बच्चा, ये आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, चावल कार्बोहाइड्रेट है। दाल, मांस, दूध, ये सब क्या है? प्रोटीन है। अभी आपको बताया ना, दाल, मांस, अंडा, ये सब प्रोटीन पाया जाता है, या चावल है। प्रोटीन सर्वाधिक सोयाबीन में, सबसे पहला नंबर में सोयाबीन, उत्पादन में सोयाबीन। कल हम आप सभी के लिए आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन लाएंगे, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है महिला पर्यवेक्षक में, 3 से 4 नंबर आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह एवं 2023-24 का जो भी करंट है हम आपके लिए लेकर आएंगे कल की वीडियो में, इंतजार करिएगा, ठीक है। तत्काल ऊर्जा किससे मिलती? ग्लूकोज। किससे मिलती है? एक मिनट ना, यहाँ पर कुछ किससे मिलती है? ग्लूकोज से। एक बार याद रखा, निम्न कौन से शर्करा तत्काल ऊर्जा मिलती? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सबसे पहला नंबर वन है आपका पार्ले जी बिस्किट, जानते हैं ना, वहाँ से आपको ग्लूकोज मिलेगा। ओके, चलिए। प्रोटीन दूध किसमें पाया जाता है? केसीन। दांतों में निम्न में क्या रोग होता है? दांतों में आपका कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। सागरी का खरपतवार किससे होता है? आपका आयोडीन। क्या आएगा? आयोडीन, याद रखना। क्या आएगा आपका? आयोडीन, जो किसकी कमी होता है? घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से, नमक खाने से। नमक अगर कम खाओगे ना, वही होगा। आयोडीन का सर्वोत्तम है आपका शैवाल। पालक के पत्तों में क्या होता है? आयरन होता है। आयरन का मतलब लोहा, कोबाल्ट, B12।
मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता? आयरन। अब आयरन का मतलब लोहा नहीं होगा। पालक की सब्जी खाओ, हरा सब्जी। किसमें भरपूर लौह? अभी आपको बताया हरी सब्जी जस्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। उपस्थित दूध में कारण क्या मिठास आती है? लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपको? मैसूर में। एक मिनट ना, शुरू करते हैं फिर महिला बाल विकास के विभाग से पूछे गए प्रश्न। इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो एक ग्राम वसा। ICDS योजना के घटक हैं, तो ICDS योजना के घटक कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो ICDS की जो योजना का घटक है आपका पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, इसका आंसर डी होगा। देखिए यहाँ पर तीसरा और पांचवा क्वेश्चन है कि विटामिन सी की समृद्ध स्रोत है ताज़ा फल। ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं के 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलोरी किलोग्राम है 92। जीवाणु की वृद्धि और बहुगण में सहायता के लिए कौन सी आवश्यकता है? जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त तापमान, इसका आंसर डी होगा। दस्त के उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम। यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, बच्चे का पेट भरना, उपयुक्त सभी, आंसर डी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है आपका क्वासकोर, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 150 प्रश्न हम आपको स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। देखिए महिला व बाल विकास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपको बताया था क्वासकोर। नेक्स्ट है आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और ORS घोल चिकित्सा उपयोग उपचार में किया जाता है। संग्रहणी यानी कि दस्त से डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है, तो यह संचारित होता है एडीज मच्छरों के काटने से। पोलियो विषाणु शरीर के माध्यम से प्रवेश करता है संक्रमित भोजन और जल के कारण। इनमें से कौन सी गर्भावस्था के समय नहीं होती? तो दांत का सड़ना नहीं होती, जबकि अब गर्भावस्था के दौरान होता है उपकाइयां यानी कि उल्टियां, कब्ज, एडिमा यानी कि तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। क्रेनिनता यानी कि जड़वामानता एक विकार है जो किशोरावस्था गर्भावस्था में कमी से पीड़ित रही माता से उनके बच्चों में होता है। IOD, आंसर डी। समेकित बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि ICDS के आरंभ हुआ था, याद रखना 2 अक्टूबर 1975। ओके, ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक संक्रमक है जो माइकोबैक्टीरियम बेसिलस के कारण होता है, याद रखना ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो बेसिलस माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भावस्था शिशु के बीच पोषक तत्व ऑक्सीजन और अस्थि पदार्थों के विनिमय के उत्तरदायी होता है। गर्भमला उसको प्लेसेंटा कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं होती है 350 कैलोरी, 272 ग्राम। हड्डियों में, एक मिनट, देखिए गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी के कारण बनता है क्या होता है? क्रेणिता, जड़ मानवता यानी कि मनोत्यागात्मक यानी कि साइकोमोटर विकास, ठीक है। एलाइजा यानी कि एलिजा कहते हैं इसको, परीक्षण के उपयोग का पता लगाने के लिए। एड्स वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्व जैसे प्लास्टर, चार्क और मिट्टी राख आदि को खाता है, पाइका। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड नहीं है? लैक्टोज का एक मोनोसेक्राइड नहीं है, जबकि आपका ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज आपका मोनोसेक्राइड है। टोटल हम 150 प्रश्न करेंगे बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए यह मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। ICDS के 1 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को हर विटामिन ए के गोल के लिए 20-20 यानी कि 2,00,000 IU दर मुख्य दी जाती है 6 माह में। बेरीबोरी रोग किसका संबंधित है? थायमिन की कमी से आपको बताया ना, कमजोर पतलापन या आपको बेरीबेरी रोग होता है। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है 11 से लेकर 13 किलोग्राम यानी कि 11 से 13 किलोग्राम।
इनमें से किसकी रोकथाम में एंटीबायोटिक द्वारा नहीं की जा सकती? खसरा, जो कि एंटीबायोटिक द्वारा नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसमें टिकने कुष्ठ रोग हैजा के लिए एंटीबायोटिक ले सकते हैं, लेकिन खसरा में नहीं ले सकते। इन्फ्लुएंजा किसका होता है? इतना बस पढ़ लीजिएगा, इन्फ्लुएंजा विषाणु आएगा, इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर निषेचन अगर आएगा सीधा जननी का अवस्था, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सा है मेरास्मा यानी कि सूखा रोग चंद्रमुख के लक्षण नहीं है दोस्तों? डीपीटी क्या है? आप सभी को मालूम है डीपीटी वैक्सीन वाला, डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस, ये क्वेश्चन दो बार आया हुआ है। इनमें से कौन सा है जो घोड़ाता है? क्या आएगा? जोड़ा गलत है। रेबीज कुत्ता सही है, फ्लेक चूहा सही है, फीताकृमि सुपर सही है, पोलियो बंदर से बिल्कुल गलत। स्तनपान करा रही महिलाओं के औसत दैनिक दूध उत्पादन कितना होना चाहिए? 650 मिलीग्राम। स्वस्थ बच्चे का भार मालूम है आपको? 6 माह। विटामिन डी किससे होता है? बताया था रिकेट्स, असिमिलियन का एस्टोलोमिलिसिया, ऑस्टियोपोरोसिस। प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की जो संख्या होती है उसको नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार के अवधि माना जाता है? वाटरलो वर्गीकरण। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक है? उपयुक्त सभी, ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता है। गर्भस्थ शिशु की त्रिवृद्धि, गर्भाशय का गाल वृद्धि, उत्तराल और एनिमेटिक फ्लोट के निर्माण। ICDS योजना के लाभार्थी कौन कौन है? तो 0 से 6 वर्ष गर्भवती महिला, स्तनपान करा रही महिला। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा के लिए क्या होती है? गर्भनाल वृद्धि, माता के शरीर में वृद्धि, गर्भ शिशु में वृद्धि, शारीरिक गतिविधि। आंसर डी होगा। एक बार में आपको समझ में नहीं आता, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। हैजा और दस्त द्वारा होते हैं क्या? होते हैं जीवाणु संक्रमण। शाकाहारी माता की कमी होने वाली संभावना है बीमार यानी कि कोबाल्ट, आयरन। क्या खाने से? हरी पत्तीदार सब्जियां खाओ भैया। यहाँ पर कैलिपर्स आप मोटाई मापते हैं वसा की परत से। टिटनेस का भी लक्षण क्या होता है? पानी की परत। क्या है टिटनेस का भी लक्षण? पेशियों की दृढ़ता एवं दर्द युक्त ऐठन, जबड़े की पेशियां कड़ेपन, दर्द की शुरुआत, उदर की पेशियों में दर्द। इसका आंसर डी होगा। दोस्तों एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में पूछ सकता है। आप हमारी रिस्पेक्ट करके क्लास जरूर लीजिएगा, ओके। संस्थागत प्रसादों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो जन्म के समय खुराक 24 घंटे के अंदर रूप में दी जाती है? हेपेटाइटिस बी। दोस्तों कुछ टोटल 100 प्रश्न होने वाला है, 50 प्रश्न कुछ ही देर में क्लास में लेंगे पार्ट टू वीडियो में, टोटल 150 प्रश्न का रहेगा। पार्ट वन आपका 100 क्वेश्चन और पार्ट टू है 50 क्वेश्चन, ठीक है। इंतजार करिएगा सेकंड पार्ट का। शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दूध की ग्रंथियों में पतला एवं पीला तरल आता है, आप सभी को मालूम है पीयूष कोलेस्ट्रॉल। 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की विश्व स्वास्थ्य निकाल दिया था पोलियो महामारी वाले देश से। हरी पत्तेदार सब्जियां आपको बताया था, विटामिन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दौरान कहते आयोडीन न्यूनतम विकास के नियंत्रण में कार्यक्रम, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा या फिर एग्जाम पहले दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि 27 अगस्त को आपको एग्जाम है, कम समय बचा हुआ है, 2 से 3 दिन बचा है शायद, है ना? नहीं, 3 से 4 दिन बचा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक टोटल 50 प्रश्न वहाँ से कराए स्वास्थ्य संबंधित है और 50 प्रश्न आपका महिला बाल विकास से। टोटल कितने प्रश्न हो चुका है? 100 प्रश्न और 50 प्रश्न आपका बाकी जो पार्ट टू वीडियो में लेकर आएंगे। और नेक्स्ट क्लास की इंतजार करिएगा आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह से, करेंट अफेयर से, भारत के सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, सभी एक एक बार रिवीजन करेंगे। 3 से 4 दिन में आपको कवर हो जाएगा, आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।